हे गाइस, डू यू नो एंड्रॉइड टीवी पे हमें एंटरटेनमेंट के अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी यूजफुल ऐप्स मिलती है जो हमारे टीवी एक्सपीरियंस को और बेहतर करने में काफ़ी काम आ सकती है। गुड थिंग इज ये ऐप्स कम्प्लीटली फ्री टू डाउनलोड है एंड्रॉइड टीवी और फोन के प्ले स्टोर से। तो चलिए जानते हैं ऐसी कुछ टॉप 7 ऐप्स के बारे में जो आप अपने टीवी पर इंस्टॉल कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। फर्स्ट ऐप ऑन द लिस्ट इज स्लीप टीवी टाइमर। इस ऐप में हम टाइमर सेट करके अपने टीवी को ऑटोमेटिकली 15, 20, 45 मिनट्स में टर्न ऑफ कर सकते हैं। इस ऐप का इंटरफेस काफी सिंपल है जिससे प्रीसेट टाइमर में से टाइम पिक करना या फिर अपने अकॉर्डिंग टाइम सिलेक्ट करना काफी आसान हो जाता है। यदि आपके टीवी पर यह ऐप वर्क नहीं कर रही है देन मेक श्योर आपके टीवी में HDMI CEC का ऑप्शन इनेबल हो। सेकेंड ऐप ऑन द लिस्ट इज टीवी मैसेंजर। इस ऐप में हमें मल्टीपल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने का ऑप्शन मिलता है जिससे हम मैसेजेस को रीड आउट करके इनका रिप्लाई भी डायरेक्टली टीवी से कर सकते हैं। इस सिंगल ऐप में हमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसी मोस्ट पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को यूज करने का ऑप्शन मिलता है। अब टीवी रिमोट से मैसेजेस का रिप्लाई करना इतना कंफर्टेबल ऑप्शन नहीं है, ऐसे में आप वॉइस असिस्टेंट का यूज कर सकते हैं या फिर मैसेज टाइप करने के लिए आप USB कीबोर्ड भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने टीवी से। इस ऐप में हमें कर्सर का सपोर्ट भी मिलता है जिससे शॉर्ट मैसेजेस का रिप्लाई करने के लिए हम टीवी रिमोट से ही आसानी से नेविगेट कर पाते हैं। यदि आप Netflix, Prime Video जैसी ऐप्स पर कंटेंट स्ट्रीम करना प्रेफर करते हैं देन यू माइट हैव नोटिस्ड हमें काफी सारी ऐसी एक्सक्लूसिव मूवीज और टीवी शोज इंडिया रीजन में अवेलेबल नहीं है। ऐसे में आप NFLX VPN ऐप को यूज कर सकते हैं। इस VPN ऐप में हमें अकाउंट क्रिएट करके फ्री US सर्वर को यूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। व्हाट रियली इंप्रेस्ड मी इज कि VPN सर्वर की स्पीड काफी अच्छी है जिससे हम विदाउट बफरिंग 1080p कंटेंट को भी इजिली अपने टीवी पर स्ट्रीम कर पाते हैं। नेक्स्ट ऐप इज क्वाइट यूजफुल। आपने भी ये नोटिस करा होगा हम टीवी में मल्टीपल ऐप्स के बीच में इजिली स्विच नहीं कर पाते। हमें किसी भी ऐप को ओपन करने के लिए फर्स्ट होम स्क्रीन पे जाना होता है एंड देन हमें ऐप सिलेक्ट करना पड़ता है। ऐसे में आप डैशबोर्ड ऐप को अपने एंड्रॉइड टीवी पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप में हमें काफी सारे ऐसे यूजफुल फीचर्स मिलते हैं जिससे ऐप्स को ओपन करने के लिए हमें एंड्रॉइड टीवी की होम स्क्रीन पर विजिट नहीं करना पड़ता। इस ऐप को सेटअप करने के बाद आप होम मेन्यू को लॉन्ग प्रेस करके किसी भी विंडो पर साइड पैनल से सभी इंस्टॉल्ड ऐप को इजिली एक्सेस कर पाते हैं। ऑन टॉप साइड हमें वाईफाई, ब्लूटूथ जैसी एसेंशियल सेटिंग्स को एक्सेस करने का ऑप्शन मिलता है which is quite useful. By the way guys, do you know Android TV पे हम काफी सारे ऐसी apps और games को भी install कर सकते हैं जो Android TV Play Store के लिए available नहीं है। The problem is इन apps को open करने के लिए हमें कोई direct option नहीं मिलता है। आपको साइड लोड लॉन्चर को इंस्टॉल करना पड़ता है या फिर आपको सेटिंग्स में विजिट करके ऐप सेक्शन से ऐप्स को एक्सेस करना पड़ता है। इट्स नॉट अ कंफर्टेबल एक्सपीरियंस। ऐसे में डेस्कटॉप मैनेजर ऐप आपके काफी काम आ सकती है। इस ऐप से हम किसी भी साइड लोडेड ऐप का डायरेक्टली होम स्क्रीन पर शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। नो मैटर ये ऐप एंड्रॉइड टीवी के लिए अवेलेबल है या नहीं, हम इसे होम स्क्रीन से डायरेक्टली एक्सेस कर पाते हैं। अनदर इंटरेस्टिंग ऐप इज पुशबडी। इस ऐप के थ्रू हम अपने फोन के नोटिफिकेशंस को डायरेक्टली टीवी पर चेकआउट कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, हमें इस ऐप में फाइल शेयरिंग का ऑप्शन भी मिलता है जिससे हम फोटोज, वीडियोस और ब्राउजर URL को डायरेक्टली अपने स्मार्टफोन से टीवी पर शेयर कर पाते हैं। पर्सनली इस ऐप का URL शेयरिंग फीचर मुझे काफी यूजफुल लगता है। यदि आप कोई आर्टिकल को अपने टीवी पर चेकआउट करना चाहते हैं तो हम इंस्टेंटली इस ऐप से आर्टिकल की लिंक को शेयर करके अपने टीवी पर चेकआउट कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट ऐप ऑन द लिस्ट इज जियो न्यूज। इस ऐप से हम किसी भी रीजन के न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और न्यूज के लाइव टीवी चैनल्स को अपने टीवी पर देख सकते हैं। वैसे तो ये ऐप स्मार्टफोन के लिए बट टीवी रिमोट से भी ये परफेक्टली वर्क करती है। द ओनली थिंग इज ये ऐप ऑफिशियली एंड्रॉइड टीवी प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है तो हमें इस ऐप को साइड लोड करना पड़ता है एंड्रॉइड टीवी पर। यदि आप साइड लोडिंग मेथड से फैमिलियर नहीं है तो आप कार्ड पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। नाउ गाइस, यदि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वर्चुअली कोई मूवी या टीवी शो को एंजॉय करना चाहते हैं एंड्रॉइड टीवी पर देन आपको रेव वॉच पार्टी ऐप को मस्ट चेकआउट करना चाहिए।
इस ऐप से हम अपने टीवी स्क्रीन के किसी भी ऐप को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर पाते हैं। हमें इस ऐप में वॉइस और चैट सपोर्ट भी मिलता है, सो हम अपने फ्रेंड्स के साथ टीवी शोज और मूवीज को डिस्कस भी कर पाते हैं। सो दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस टाइप के और वीडियोज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आया देन मेक श्योर यू हिट दी लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।